हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू परफ्यूम ज्वेल्स पार्ट टू ऑफ इब्राहिम सूर्या में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सप्लोर किए इब्राहिम सूर्या जी के हाउस के टॉप ब्लेंडिंग मुखलत्स। आज हम लोग उनके ऊद ऑयल्स एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट देयर प्रेशियस ऊद ऑयल्स। ठीक है भाई, मैं आपको हमारे मुखलत्स के बारे में तो बता दिया, अब आपको हमारे एक नया जो एक बेस्ट पार्ट जो है ऊद which we are quite famous about it, मैं आपको उसके बारे में लेके जाता हूँ। They're famous for agarwood chips and oud oils also. तो सर आप अपने famous oud oils बताएंगे? जरूर जरूर। सबसे पहले जो एक top 3 जो आप recommend करें। Sure, definitely. ये हमारा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है classic kambodi. ये हमारा प्राचीन और ट्राट oud की टोन से बना हुआ है और इसकी खासियत ये है कि जो लोगों को oud पसंद है, ठीक है, और एक ऐसी ऊद की टोन पसंद है जिसको एक अच्छा फील होना चाहिए, जिसके अंदर आपको अर्दी टोन, एक अच्छी सी फ्रेश टोन आनी चाहिए, साथ में उसकी लॉन्जिविटी अच्छी होनी चाहिए, पोजीशन अच्छा होना चाहिए। और जो न्यू कमर को बहुत से लोग बोलते हैं हमको ऊद चाहिए बट एक इंटेंस टोन नहीं चाहिए, विच शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग, तो मैं उसके लिए फर्स्ट रिकमेंड करता हूँ क्लासिक कंबोडी। एक नया एक्सपीरियंस भी रहता है उसके लिए और इंजॉयबल प्रोडक्ट रहता है वो। कंसिस्टेंसी ऑफ ऊद is a classic Kambodi wood oil by House of Ibrahim Sudha. Beginners के लिए it is a very very good option. जैसे मिश्रा नसस से उनको ज़्यादा harsh notes नहीं चाहिए, उनकी Indian climatic condition के हिसाब से भी उनको वो सब चीज़, और क्या है all over India से लोग समझते हैं हर किसी की body chemistry अलग होती है। हमने ये पूरी कोशिश की कि हमारे जितने भी blends हैं, या कोई अतर हम launch करते हैं या कोई fragrance जो भी हम launch करें, वो हमारे all over the India के customers हो या abroad के हो, उन सब पे एक अच्छा presence feel होना चाहिए, उनकी body chemistry पे भी suit होना चाहिए। Climate को देखते हुए हम लोग वो चीज़ को थोड़ा सा adjustable करते हैं, but still everything can't be in a perfection. And just आप इसके dry down के बारे में, transition के बारे में can you please elaborate? After dry down, how it can? देखिए इसके ड्राई टोन ऐसा है ना कि ऑलरेडी प्राचीन ऊद ट्राट ऊद कंबोडी ऊद ऑलरेडी सॉफ्ट टोन से बनाता है, ठीक है, इंडियन ऊद ऊद की तरह डार्क इंटेंस नहीं होता है, विच शुड बी वेरी लीफी प्रोडक्ट, सॉफ्ट इंटेंस नहीं है। ये जब अब फ्लो होता है ना, तो ड्राई टोन में जब जाता है 10-15 मिनट में जब वो जाता है, या जितना उसको टाइम लगता है बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, तब वो बिल्कुल एक सेटल्ड नोट ऑफ ऊद रहता है जिसके अंदर आपको एक अच्छा खुद के लिए सेल्फ इंजॉयबल रहता है, सामने वाले के सबसे नॉन ऑफेंसिव हो जाता है, लास्टिंग वाइज भी प्रोजेक्शन वाइज भी ऐसा है कि आप उसको इंजॉय वेरेबल है। आप क्लासिक कंबोडी अगर आप दिन में भी आप लगा के आप जाएं तो इट्स वेरी गुड, चाहे आप उसको समर में लगाएं विंटर में लगाएं, ये ऑल ओवर द ऐप में चलता है, बट इवेंचुअली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफेशन लाइफ कैसी है, दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड वन मोर थिंग, इसका लॉन्जिट्यूड एंड प्रोजेक्ट, इसका जो लास्टिंग जो है तकरीबन लॉन्जिविटी से तकरीबन गोज अप टू 8-10 आवर्स ऑन स्किन के सबसे। और जो इसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऐसा ना भाई कि वो 1-2 feet तो रहता ही है, कभी उससे कम ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना लगाते हैं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री कौन से टाइम पे, यानी फॉर एग्जांपल समर में लगा तो उस टाइम पे अलग फील होगा, आप जहाँ पे हो, आप बहुत गर्म की स्टेट्स में आप रहते हैं तो वहाँ पे एक अलग माहौल कैसे है कि सब चीज़ डिफेंड करती है, तो एक चीज़ का थोड़ा सा इवोल्यूशन रहता ही है भाई। डिपेंड्स ऑन अवर स्किन टोन, स्किन टाइप भी डिपेंड, आपकी बॉडी केमिस्ट्री कैसी है, वो सब चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ जाता है जी। अर्दीनेस, स्वीटनेस एंड एक लीफी जो एक जो फॉरेस्ट की जो हल्बल जो सॉफ्ट वाला जी जो टी बॉक्स जो होते हैं उसका एक अलग फील देता है उसका। एंड वो मीठे-मीठे पके-पके फल जो रहते हैं जो बिल्कुल एकदम सिटीज में मैंगो इमली जैसे वो नोट्स आ गए, वो क्योंकि वो ये क्या वहां के जो नोट्स होते हैं, वहां की जो एक टोन होता है कंबोडिया का, प्राचीन ऊद का, ट्राट ऊद का, वो एक अलग ही टेक्सचर का होता है। तीन ऊद है राइट, करेक्ट, प्राचीन और ट्राट ऊद से बना, हाँ, तो ये दो चीज है। एक्चुअली क्या है, ओवरऑल कंबोडिया बोलते हैं तो लोग उसे कंबोडी ऊद, बस उसको फर्दर डिफाइन नहीं किया जाता। आपने आया कंबोडी ऊद है, मैं आपको बता दिया, सैलानी ऊद है, ये ऐसा इंडियन ऊद ऐसा, बस फर्दर डिस्क्रिप्शन में बहुत कम लोग जाते हैं इसको और स्पेसिफाई करना, नैरो ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं कि वो कहाँ से है, कौन से रीजन से है, किस तरीके से बनाया गया, इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसा है, वो एक अलग पूरा एक लंबी हिस्ट्री बन जाती है भाई। मतलब कंबोडी रीजन में वी हैव टू प्राचीन ट्राट, वैसे जी ये डिफरेंट प्रोविंस भी आता है, तो अगेन इट इज अ वेरी गुड फॉर न्यू ईयर न्यू कमर्स, न्यू कमर्स भी अच्छा है, अच्छा होता है वो, क्लासिक प्रोडक्ट क्लासिक कंबोडी।
सर नेक्स्ट और सेकंड जो हमारा सबसे पुराना जो ऊद है जिसका नाम है ऊद गदीम, जो 8 ईयर्स पुराना ऊद है हमारे पास, उसकी आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, थोड़ी सी डार्क थिक है, ये हमारी कंसिस्टेंसी रहती है। ऊद गदीम जो इब्राहिम सूर्या साहब ने हमने एक कंपनी में लाए, तो ऑलरेडी इट्सेल्फ एजेड है, वेल डिफाइंड, सॉफ्ट, सूदिंग, और जिसके अंदर आपको प्रॉपर ऊद गदीम की जो टेक्सचर होती है, ऊद गदीम जिसका मतलब क्या है, पुराना ऊद, और पुराने ऊद के अंदर एक अलग ही फ्लेवर होता है, उसका लगेगा जैसा आप यूज करेंगे, जैसा जितना टाइम वो ड्राई डाउन में जाएगा उतना लगेगा कि पुरानी लकड़ियों से जो एक टोन, जो खुशबू होती है वो रहती है, वो ज़रूरी होती है, उसका मतलब वैसा ही रहता है। उसके अंदर आपको हल्का लेदरी, हल्का सा आपको एनिमलिक टोन, नॉन बानियर्ड, जो एक बानियर्ड टोन जो होती है बिल्कुल नहीं है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी है ना कि ऊद का मतलब बहुत से, अगर आप डार्क इंटेंस ऊद लगाते हैं तो ऐसा ऑफेंसिव रहता है, पर ये कैसा, अगर आप दिन में आप डेली वेयर घर में भी लगाएं तो ऐसा लगे कि हाँ भाई यू आर इंजॉइंग द प्रोडक्ट। मेन फ्रेग्रेंस का टोन का मतलब ये होता है कि आप वो चीज लगा जो आपको अच्छा लगे, आपको सेल्फ हो और सामने वाला कॉम्प्लीमेंट दे ना दे, दैट्स अनदर स्टोरी, बट आपको अच्छा लगना चाहिए। ऊद कॉन्शियस के लिए दैट इज प्लस थिंग, वन थिंग दे शुड कीप इन माइंड, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, आपको पसंद है, योर सोल इज लाइकिंग इट, गो अहेड फॉर इट, बाद में इट इज, बाद में दूसरों को सोचना इज टोटली डिफरेंट थिंग, आपको इंप्रेस करना है तो उसके लिए अलग वर्ल्ड है, थोड़ा सिंथेटिक वर्ल्ड है, सिंथेटिक परफ्यूम। ऊद इज फॉर आवर सेल्फ, आवर सोल, प्लीजिंग आवर सेल्फ, दैट इज वन प्लस, मतलब वन मेन थिंग, वन ऊद कॉन्शियस शुड रिमेंबर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना, मैं ऊद के जो कस्टमर जिसको ऊद पसंद है ना, हाँ, तो उसके बारे में बताऊँ कि यूजुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ ऊद। फॉर एग्जाम्पल ऊद गदीम है तो मैं उसकी तफसील में आपको बता नहीं सकूंगा, क्यों, रीजन इसका मेन ये है कि ऊद को फील किया जाता है। एग्जैक्टली, मुखलत को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, बस के अंदर ये एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डाला गया, ऊद ऐसा है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये आप लगाए आपको कैसा लगा वो इम्पोर्टेंट है, आपके जो दिल से जो एक महसूस जो होता है वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है, बनिस्बत हम उसको डिफाइन करना ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके अंदर ये भी है, कोई बोलेगा इसके अंदर आपको इमली का फ्लेवर आ रहा है, कोई बोलेगा इसके अंदर आपको रीजन्स का फ्लेवर आ रहा है, वो होता कुछ नहीं है, बट कैसे ना कि वो आपकी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द नोट्स है वो। एग्जैक्टली, एंड इन लेमन टर्म्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, टू एक्सप्लेन एवरी पीच एंड एवरी पीपल। पहली बात तो ये थी उन्होंने कभी स्निफ नहीं किया होता। हाँ। सेकंड थिंग, दे यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उनको नोट्स कभी मालूम ही नहीं पड़ते ये कौन सी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारा एक्सपीरियंस अगर जब बताते हैं तो अगेन ऊद के मामले में इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि ये ऐसा ही है। हाँ, ये ऐसा है। तो ये बहुत जरूरी, तो मैं अपने कस्टमर जितने भी हमारे जो है सबको मैं एक तरह से हूँ कि ऊद ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसका जब तक आप परचेस नहीं करो तो आपको उसका एहसास नहीं होगा। ब्लाइंड बाय करना इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बट ये है कि अगर ये बोल रहे हैं तो इन्होंने इस्तेमाल किया तो आपको बता रहे तो आपके लिए अच्छा है, पर ब्लाइंड बाय अलग बात हो जाती है। बट फर्स्ट थिंग यू शुड फील, आपको लगा के फील करना है कि यू शुड एक्सपीरियंस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, तब जाके यू कैन कम टू अ कंक्लूजन मुझे पसंद है कि नहीं, जैसा जैसा ये ड्राई डाउन होता जाएगा वैसा वैसा ये आपको पुरानी लकड़ियों को, जैसे अगर आप ऊद चिप्स आप बंद करते हैं तो कैसा उसके अंदर हल्का सा स्मोकी टेक्सचर, उसके अंदर से एक हल्का सा सॉफ्ट बट सूदिंग, यानी मेन कंसर्न ऊद का ये होता है कि भाई आपको सेल्फ अच्छा लगना चाहिए, बाद में तो फिर कैसे बाकी लोग क्या बोलेंगे वो तो वेरी डिफरेंट स्टोरी हो जाती है भाई। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, मेरा रिसेंट लॉन्च था ये ऊद स्मोकी ऊद, कंसिस्टेंसी काफी अच्छा है इसका भी, इट इज वेरी थिक। हां, वेरी थिक। बट इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, स्मोकी ऊद, राहुल भाई, हां जी बोलिए, ये जो है ना स्मोकी ऊद जो हमने नाम रखे है ना, तो इसका रीजन ये था कि इटसेल्फ एक वेरी डार्क स्मोकी ऊद है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्मोकी ऊद का टेक्सचर ही मिलेगा इसके अंदर। Actually, I am feeling a very dark, smoky, burning. Steamy ऊद का जो texture होता है, which is means something very different.
सुपर, सच में इट इज सुपर। और जितना इतना ऊद लगाने में वो ट्रांजिशन जाने के बाद ये फिर लेदर नोट्स, हाँ एक होते हैं इमीडिएटली लगाने के बाद जो इमीडिएट नोट्स आ रहे हैं, वाइब्स जो होते हैं, जी जी, सुपर बर्निंग एंड स्मोकी नोट्स इनिशियल लगाने के बाद तुरंत आ रहे, इट इज वेरी क्लासिक थिंग अबाउट दिस। और ये एंड तक भाई आपको सेम टोन मिलेंगी, ये चीज की हम खासियत हमने रखे कि ये स्टार्टिंग से लेकर एंडियम डायडोन को 15-20 मिनट लग जाते हैं, इसके बाद भी आपको सेम टोन ही मिलेगी, चेंजेस कुछ नहीं है। एक होता है वो जो टाइम लगता है, हाँ एक होता है वो होता है कि जो वक्त के साथ चेंज हो जाता है, एक को लगता है कि थोड़ा मल्टीपल टोन्स देता है और एक ऐसा होता है कंसिस्टेंट रहता है, बट जो है स्टार्टिंग टॉप नोट दैट बिकम्स एंड टोन, खत्म। बट ये एक्चुअली आई मस्ट नॉट आस्क हिम सर, इसका रीजन मतलब आपने कैसे हैव क्राफ्टेड दिस थिंग, क्योंकि नेचुरल है तो ट्रांजिशन में जाते हैं, बट हाउ हैव यू रेस्ट्रिक्टेड इट टू द सेम नोट्स? ये इसके अंदर कैसे ना भाई, ऊद का एक कला होती है डिस्टिलेशन जो होती है, okay. वो एक अलग प्रोसेस होता है, बट उसको ऊद के अंदर खेलना एक कला की बात है, मैं सही बात बोलूं समझा। और ये हर किसी को नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूं, मैं टू बी वेरी इवेंचुअली, बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक ऐसा टोन निकल कस्टमर्स को चाहिए कि हम बॉडी इंसेंस टोन मिले इंडियन कस्टमर्स के तौर पे, तो हमने उसके लिए क्या किया कि अच्छा एक स्मोकी इफेक्ट दिए उसके अंदर, क्यों कंटिन्यूस उसको लाइन एक मैनेज करके चले, क्योंकि ऊद के अंदर अगर आपको कंसिस्टेंसी अगर नहीं रही ना तो बिल्कुल वो चीज़ खराब लगती है, तो वो चीज़ के कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख के बनाया कि भाई एक चीज़ ऐसी बनाओ कस्टमर के लिए कि वो सबको रहे, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन कस्टमर्स भी है, अरबी भी है, तो हमको उनका तरफ से भी देखना पड़ता है, इंडियन कस्टमर को भी देखना पड़ता है, सब तक तो हम नहीं पहुँच पाते हैं, पर कोशिश करते हैं कि हम मेजोरिटी हर कस्टमर को एक नई चीज़ ट्राई आउट करा सकें। डेफिनेटली टू पुट इन टू मच एफर्ट्स, सब एंगल से सोचना पड़ता है, तो क्राफ्ट प्रोडक्ट लगता है। हाँ, क्योंकि हर चीज़ आसान नहीं होती भाई, और चीज़ का खुद बनाओ तो उसको टाइम लगता है सब चीज़ों के लिए। हाँ, तो इसके लिए हमारा हर इवेंचुअली एक पीरियड के टाइम पे एक नया ऊद लॉन्च करता है, मुखलस ठीक है, वी कैन डू इट एनी टाइम। इसलिए मैंने देखा आपने, वी हैव स्पेसिफिक सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं कि हजारों है ना सर, 100-200 प्रोडक्ट्स हैं, बट वी हैव स्पेसिफिक थिंग्स जो है 60 मुखलस आराम से टोटल हमारा ओवरऑल ऊद सेक्शन मुखलस सेक्शन मिला के 55-58 प्रोडक्ट्स ही खाली, और हमने कोशिश ये करे कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए कस्टमर हैप्पी होना चाहिए, उसको अच्छा फील होना चाहिए, कहीं से भी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैंने जो सोचा वैसा नहीं मिला। अलबत्ता सबकी चॉइस अलग अलग भी होती है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि उसको अच्छा मिलना चाहिए, कि उसको वर्थ बाइंग लगना चाहिए कि भाई मैंने लगा, और वो चीज़ किसी को कहता है कि भाई मैंने लगा ऐसे, राहुल भाई मैंने आपसे लिया, आपने कहाँ से लिए, तो वो चीज़ जो मार्केटिंग होती है ना, विच इज फील्ड इब्राहिम फरूज स्टैंड्स फॉर दैट ओनली, दैट गिव्स इमेंस प्लेजर, चलो काम हम लोग दिल से कर रहा है एंड वी आर सर्विंग कस्टमर्स प्रॉपर्ली। हां एंड सर जस्ट एक चीज पूछना था, दिस स्मोकी ऊद मतलब इट इज प्योर 100% नेचुरल और इसमें सिंथेटिक्स यू हैव टू मिक्स थोड़ा बहुत? इस ऊद के अंदर कैसा ना क्वालिटीज आती है, सिंथेटिक तो मतलब बिल्कुल अलग ऊद हो जाता है, उसके अंदर कैटेगरी कैटेगरी से ए स्टैंडर्ड बी सी स्टैंडर्ड, तो हमने कोशिश करते हैं कि इब्राहिम सूर्या सर जो है वो हमेशा कोशिश, और उनका ये कहते ना विजन रहा है कि भाई हमें कस्टमर्स को है हमेशा नेचुरल के तौर पर रखो, कहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए तो ठीक है एडिशन कर सकते हैं, बट कोशिश कि वो नेचुरल है, क्योंकि बहुत से इंडियन मार्केट हो सब ने फ्रेंच इस्तेमाल किया है, सिंथेटिक इस्तेमाल किया, पर किसी को जल्दी एक्सपोजर नहीं वाला नेचुरल का, तो हम लोग उस जगह पे स्टैंड करते हैं कि भाई हम लोग नेचुरल इस्तेमाल करते हैं और कस्टमर फ्रेंडली बजट वाइज भी रहते हैं, तो उसको अच्छा लगता है जी। काफी सारे प्रोडक्ट्स बता दिए सर आपने मुझे, अभी तो छोटा सा ट्रेल ले रहे, पिक्चर तो बाकी है अभी। या वी आर कमिंग बैक टू, अभी इन्होंने रिसेंटली दिस हाउस इज लॉन्च न्यू मुखलस, तो इसके बारे में कैन यू प्लीज? श्योर डेफिनेटली भाई, हमने कुछ रिसेंटली मैं रिवर्सिंग ऑर्डर में जाऊंगा, रिसेंट हमारा प्रोडक्ट है ऊद मुतवा, और ऊद मुतवा की खासियत भाई ये है कि ये हमने इस बेस से लॉन्च करे थे कि इसके अंदर एक वेल क्राफ्टेड ऊद सेंस होना चाहिए, जिसके अंदर सॉफ्ट सूदिंग हो, और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऊद के कॉम्बिनेशन के साथ हर एक प्रोडक्ट या हर एक इंग्रेडिएंट्स वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, जैसा इसकी स्टार्टिंग टोन बताऊं रोजमेरी, उसके बाद आपको जो है साथ में मस्क फ्लेवर आएगा, वुडी फ्लेवर आएगा, जब मिडिल टोन आप जाते हैं तो आपको टोंका बीन मिलता है, लैंग लैंग मिलता है, साथ में आपको जैस्मिन फ्लेवर मिलता है, और बेस में आप जब जाते हैं तो सैंडलवुड मस्क सैफ्रॉन और ऊद, तो ये ऐसा है कि इसको वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टोन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है हमारा ऊद मुतवा।
और ये जो चीज़ हमने हमारे को हमारे बड़े अजीज खास दोस्त हैं उन्होंने रिकमेंड करे कुछ एसीटोन बनाने के लिए। अच्छा। तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे कस्टमर्स हाँ कस्टमर्स अच्छा। के तौर पे तो उन्होंने कहा आप हमको ऐसा बना के दें, तो उस बेस के ऊपर हमने उनके रेफरेंस ऑफ नेम उनके रेफरेंस ऑफ चॉइस के हिसाब से हमने ओवरऑल के कस्टमर्स जो हमारे हैं उन सब के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है रिसेंटली जो 5th of October को लॉन्च हुआ। अच्छा, और ये ऐसा लॉन्च हुआ है ये इसमें जो आज जैसा बोले मुझे सुपर नोट्स मिले हैं इसके मतलब यालांग के रोजमेरी के एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्वीटनेस है और जो स्वीटनेस ऐसी है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको मिलेंगे। टोंका बीन इज फैंटास्टिक, टोंका बीन की नोट्स यस वही और वेनिला का एक अलग फ्लेवर का आपको टच आएगा वेनिला की वजह से। जी 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 ओवरऑल वेरी वेरी नाइस मतलब स्वीटनेस के वेनिला आई लव वेनिला वेरी मच उसमें वेनिला के नोट्स मुझे काफी जबरदस्त मिल रहे हैं टोंका बीन के रोजमेरी रोजमेरी अलोंग विद जैस्मिन सुपर्ब। नेक्स्ट अपना लॉन्च श्योर मेरा नेक्स्ट लॉन्च है इससे पहले जो हम थोड़ा सा पहले लॉन्च करें वो है सिगार विंटेज। अच्छा जी सिगार विंटेज मेन इसका कंसर्न ये है कि ये सिगार फ्लेवर जो होता है बहुत से लोग सिगार टबैको जब बोलते हैं तो उनको लगता है वेरी हार्श इंटेंस डार्क जो सर को एक अलग पकड़ने वाली टोन है वो होगी वर्ड ही डिस्क्राइब ऐसा करता है सिगार। बट मैं आपको कहूँ कि ये चीज उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है और शायद आप इस बात से मानेंगे भी क्योंकि इसके अंदर वेरी जो वेरी टॉप नोट जिसे हम कहते हैं जो एक फर्स्ट निफ में आती है वो सिट्रस की है लाइम की है तो दो चीज ऑलरेडी सॉफ्ट सेटल हो गए। उसके बाद आपको सेकेंड में सिगार टबैको साथ में आपको मस्क फ्लेवर आपको आएगा वो सेटन डाउन नोट शो करता है और बेस में जो है सैंडलवुड और सिगार से बना हुआ है और ये एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है एंड अगेन इट इज लाइक अ फ्रेंच टुवर्ड्स फ्रेंच साइड ऐसा लगा कह सकते हैं। अगर आप इसका भी अगर आप इसे लगाएं तो हमारे रिसेंटली हमारे कस्टमर आज ही सुबह मुझे एक उन्होंने मैसेज किया कि वो अराउंड 22 डिग्रीज के टेम्परेचर पर उन्होंने कल रात को लगाए थे और आज सुबह तक इन्हें मोर देन 10 टू 12 आवर्स की इसकी लास्टिंग उनके हैंड पे है अभी भी और ये सिगार विंटेज। और सबसे अहम चीज ये है कि जब भी आप लगाएं इसे तो हल्का हल्का थोड़ी देर के बाद आपको लगे कि शायद आपकी बॉडी पे नहीं है। ओके मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इसके लिए जब बाद में जैसे एक हल्का हवा का जैसे आप ट्रैवल कहीं कर रहे हैं हल्के तो आपको एक हल्का हल्का एक सॉफ्ट आपके अराउंड में एक सर्कुलर नोट्स देता रहेगा तो आपको पता है हाँ भाई मैंने लगाया हूँ और इसकी नोट्स अभी ऐसी आ रही है वो चेंज होता है और जो टॉप नोट जो है उस सिगार पे जो कन्वर्जन रेट बोलते ना फ्लो है वो यूनिक है इसका। अभी तो भाई आपने जो ऊद लगाया है वो काफी महक रहा है महक रहा आपके साथ अभी ये अपने उसके ओरिजिनल नोट्स में ये ऊद जा रहा है वो हिंदी लगाया था हम लोग ने कौन सा था हाँ कदीम कदीम लगाया है काफी जबरदस्त नोट्स आ रहे हैं अभी लेदरी स्मोकी नोट्स एंड जो कंबोडी लग रहा है वो तो सिट्रस नोट्स में कन्वर्ट हो गया मतलब चेरीज बेरीज जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं उसके जैसा स्मेल है अलग में हनी को क्योंकि जो ये जो टोन जो होता है अगर अगर आप ट्राई करें प्राचीन मिल रहा है ऊपर नीचे वो इतना मस्त महक आ रही है वो वैसा ही रहेगा और इसकी चीज ही ऐसी है अगर प्राचीन वो आप ले ट्राट टूथ इस्तेमाल करें कंबोडी टूथ इस्तेमाल करते हैं ना तो उसकी टोन सॉफ्ट रहती है और इंडियन वुड कैसा वो बाद में बेस में जाके वो ऐसा डार्क हो जाता है पर ये बिल्कुल ऑपोजिट रहता है विच इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू जो क्या इंडियन कस्टमर्स पहले कंबोडी ट्राई करते फिर इंडियन ट्राई करते कि थोड़ा सा उनको एक वर्जन समझ में आए कि भाई लाइट वुड क्या होता है डार्क वुड क्या होता है। और लास्ट में आपको एक और बताऊँ जो मेरा लास्ट लॉन्च रहा है वो है ऑफ दिस मंथ जो लास्ट मंथ का मैं कहूंगा वो है हमारा पचोली पचोली इंटेंस और पचोली की टोन जो है भाई ये यूनिक किस्म की टोन है ये पचोली। और पचोली जो ज्यादातर लोग समर में इस्तेमाल करते हैं गर्मी के हिसाब से अच्छा हो बट इसके अंदर क्या है ना आपको फ्रेश कूल मिंट फ्लेवर मिलेगा पचोली के साथ तो वो चीज आपको थोड़ा सा एक अलग देती है प्रोजेक्शन वाइज विच इज वेरी हैवी लास्टिंग वाइज गोज अप टू मोर देन 8-10 आवर्स तक जाता आराम से है ये थोड़ा जो नॉर्मल पचोली से आपको थोड़ा हटके ट्राई करना होता है दिस इंटेंस पचोली इसमें हर्बल नोट्स बहुत जबरदस्त है अलोंग विद द मिंट नोट्स तो पचोली एक अलग टोन हो गया साथ में मिंट का एडिशन हो गया और एक हर्ब टोन अलग हो गया पर तीनों कॉम्बिनेशन करके हमने इस तरीके से बनाया कि थोड़ा सा एक अलग कस्टमर पिक फील लिखना चाहिए पर्टिकुलर एक होता है पचोली सिर्फ पचोली ही आती है पर ये मल्टीपल टोन से वेरिएशन करके हमने ऐसा बनाया कॉम्बिनेशन ऑफ मिंट
पचौली एंड हर्बल नोट्स. तो समर के लिए क्लासिक होगा ये, इफ यू आस्क माय ओपिनियन. ये हमारा टोटल कुछ कलेक्शन अभी तो एक लंबी है, अभी हमारे आपको और भी कलेक्शंस दिखाने हैं. परफ्यूम्स के बारे में आने ही वाला था. हाँ, परफ्यूम्स भी है, बखूर भी है, और हमारे कुछ रिसेंट और भी लॉन्चेस होने वाले हैं ये मंथ में, और अगरबत्ती सेक्शन जो हमारे एक लिमिटेड हमने बनाया है. अच्छा, आपने इंसेंस स्टिक्स. यस यस यस, हां, इंसेंस स्टिक्स के ऊपर. हां, सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर इतर सेक्शन, ऊद सेक्शन. विल मूव अहेड टू आवर परफ्यूम सेक्शन नाउ. सो दोस्तों, आज हम लोग ने इब्राहिम सूर्या हाउस के प्रेशियस ऊद ऑयल्स को एक्सप्लोर किया. आगे के वीडियो में हम लोग इसी हाउस के बखूर्स, इंसेंस स्टिक्स और परफ्यूम्स को एक्सप्लोर करेंगे. सो स्टे ट्यून एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस. सो दोस्तों, मिलते हैं इब्राहिम सूर्या जी के पार्ट 3 में. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.